हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? होप यू आर डूइंग ग्रेट। मेरा नाम अपूर्व, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो ऑटो पैशन इंडिया। और आज की लोकेशन है MG लखनऊ। तो रिलेटेड एनी MG क्वेरीज, इफ़ यू आर एनी वेयर नियर बाय लखनऊ, तो प्लीज़ इन्हें ज़रूर कॉन्टैक्ट करिएगा। डिस्क्रिप्शन में पूरा इनका कॉन्टैक्ट आपको नंबर मिल जाएगा एंड कॉन्टैक्ट की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, तो प्लीज़ डू चेक इट आउट। और आज हम जो बात करने जा रहे हैं MG एस्टर के 100th एनिवर्सरी एडिशन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। काफ़ी लोग उसको डिमांड कर रहे थे, काफ़ी नया कलर है ये। एंड चलिए देखते हैं कि इसमें क्या प्राइसेस इंक्रीज़ हो गए हैं या क्या हमें और फीचर्स एड ऑन मिल रहे हैं या नहीं मिलते हैं, और गाड़ी कैसी लग रही है इस कलर में, हमें सब कुछ पता चलेगा। तो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको ये ज़रूर समझ जाएगा कि एनिवर्सरी एडिशन आपके लिए है या नहीं, अगर आप एस्टर को कंसिडर कर रहे हैं तो। अगर आप एस्टर कंसिडर कर रहे हैं तो इसका मतलब आपकी लिस्ट में क्रेटा भी होगा, सेल्टॉस भी होगा, एलिवेट भी होगा, मे बी C3 एयर क्रॉस भी हो, क्योंकि काफ़ी लोग उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन अपने प्राइस के हिसाब से वो ठीक ठाक ही गाड़ी है, मतलब ठीक ठाक से काफ़ी बेटर गाड़ी है। तो उसको भी आप ज़रूर देख सकते हैं, कोई ख़राब प्रोडक्ट नहीं है वो, बस सिट्रोन उसको काफ़ी अच्छे से मार्केट नहीं कर पा रही है। तो चलिए उसकी बातें कभी और करेंगे। एंड एस्टर में आपको CVT ट्रांसमिशन के साथ भी है एंड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ भी है, एंड दोनों के प्राइसेस में भी आपको फ़र्क पता चल जाएगा, क्योंकि जो मैनुअल ट्रांसमिशन है वो 14,80,000 रुपये का है एंड ऑन रोड प्राइस उसका 17.62 लाख रुपीज़ चला जाता है। मैं लखनऊ के प्राइसेस की बात कर रहा हूँ, चाहे एक शोरूम हो चाहे ऑन रोड, हो सकता है आपके सिटी में दूसरा हो। एंड CVT जो है वो 16,08,000 रुपीज़ का है, इसका आपको ऑन रोड प्राइस ऑलमोस्ट 17,08,000 रुपीज़ ही पड़ता है, 3 लाख का स्ट्रेट अवे जंप है। तो आप देख लीजिएगा आपके शहर में क्या पड़ता है। अगर आपका इतना बजट है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर एस्टर आपका चॉइस है, क्योंकि तो काफ़ी प्रीमियम इंटीरियर ये देता है, काफ़ी एक नॉन कॉमन एक गाड़ी है जो सड़कों पे आपको जल्दी दिखाई नहीं देती, अब तो काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉमन गाड़ी नहीं है इन कंपेरिजन टू अगर हम सेल्टॉस या क्रेटा की बात करें, क्योंकि तो वो लोगों की टॉप चॉइसेस होती है, बिल्कुल सेफ साइड होता है, लोग हाल उसी को ले लेते हैं। लेकिन ये एक काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम चीज़ आपको ऑफर करते हैं, तो अगर आप उसको कंसीडर कर रहे हैं तो इसको भी ज़रूर चेकआउट करिए। बिना सारे ऑप्शन चेकआउट किए अपना हार्ड एंड मनी किसी भी एक गाड़ी पे मत लगाइएगा। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मेरे नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे आप पूछ सकते हो, मैं आपकी हेल्प आउट ज़रूर करूँगा इन टर्म्स ऑफ कलर, ट्रांसमिशन, इंजन एंड विच कार यू शुड परचेज, और टू व्हीलर, किसी का भी, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, सबका आपको यहीं पर सोल्यूशन मिल जाएगा। आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। जो भी न्यू व्यूअर्स हैं प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट ऑन माय वीडियो। चलिए अब जल्दी से आपको गाड़ी दिखाते हैं, ज़्यादा बोर नहीं करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है न्यू MG एस्टर आपके सामने, ऑल न्यू एनिवर्सरी एडिशन। बहुत खूबसूरत लग रहा है ये कलर, आपको याद हो बहुत ही प्रीमियम गाड़ियों में ही आता है, बहुत ही प्रीमियम ब्रांड्स ही ऑफर करते हैं, एंड विद ब्लैक अलॉय व्हील्स तो ये बिल्कुल ही आफत मचा के रखी है इस गाड़ी ने। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है ये, किसी भी टर्म से देखिए, अगर आप इसको एक पूरे लॉन्ग टर्म से भी देखेंगे तो ये आपको हमेशा कॉम्बिनेशन अच्छा लगने वाला है। ये ऐसा कलर है एंड विद रेड कैलिपर्स हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ऑल व्हील आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएगा, लेकिन है ये फ्रंट व्हील ड्राइव ही। गुडियर्स के टायर हैं एंड 17 इंच का टायर साइज़ आपको मिल जाता है, 215/55/17 का टायर साइज़ है एंड ब्लैक के साथ है। 5 नट्स पे ये है, MG बीच में लिखा हुआ है, बहुत खूबसूरत लग रही है। फ्रंट में इसका फुल आपको LED हेडलैम्प इधर सेटअप मिल जाएगा, LED DRLs मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर लैम्प मिल जाएगा, ऑटो प्रोजेक्टर लैम्प है, मतलब कि डायरेक्ट ही जैसे ही आप इग्निशन ऑन करेंगे एंड ये लाइट सारी ऑन हो जाएंगी तो बहुत ही खूबसूरत लगती है। नीचे आपको फॉग लैम्प मिल जाता है तो ये अच्छा है, बल्ब बेस्ड है। यहाँ पर पैनो ब्लैक फिनिश का काम मिल जाता है नया, इसमें आपको जो इसके ब्लैक स्टॉर्म एडिशन जो एस्टर का आया था सेम आपको ग्रिल कैरी ऑन की गई है इस वाले 100 एडिशन में भी, एनिवर्सरी एडिशन में भी, तो काफ़ी अच्छी लग रही है। MG का बड़ा लोगो क्रोम में फिनिश है, अच्छा लग रहा है। पीछे पियानो ब्लैक फिनिश MG के पीछे दी गई है एंड नीचे भी आपको पियानो ब्लैक फिनिश में ही इसकी रेडिएटर ग्रिल भी मिल जाती है, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, काफ़ी खूबसूरत। तो एस्टर हमेशा से ही लगती थी अपनी अपने पूरे सेगमेंट में एक अलग गाड़ी, अपना एक अलग स्टांस है, एक अलग पहचान है इस गाड़ी की। ये ब्लैक क्लैडिंग ज़्यादा चौड़ी नहीं रखी है की गई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसको SUV लुक भी नहीं दिया गया है और बहुत ज़्यादा इसको कार टाइप का भी लुक नहीं दिया है। ये दोनों के बीच का सेगमेंट आप एक तरह का क्रॉस आप कह सकते हो, लेकिन ये क्रॉस की तरह कंपनी इसको बोलती नहीं है,
लेकिन ये काफ़ी अच्छी है। ग्राउंड क्लियरेंस देख लीजिए 205 mm का है, जो एक आपको एक SUV से आप एक्सपेक्ट करते हो। कंफर्ट आपको इसमें एक सेडान जैसा मिलने वाला है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। काम बहुत अच्छे से करती है, टायर साइजेस भी अच्छे हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इसको एक प्लस पॉइंट दे देते हैं, इसके लुक्स को और ज़्यादा एनहेंस कर देते हैं। ब्लैक आउट में इसका पूरा आपको ORVM मिल जाएगा, नीचे आपको इसमें साइड कैमरा मिल जाएगा। आई डोंट थिंक सो फ्रंट में कैमरा है, फ्रंट में भी कैमरा है, तो 360 डिग्री कैमरा इसमें दी है। बोनट पे लाइंस देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लग रही है, कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लाइट पड़ते ही बहुत ज़्यादा एक प्रीमियमनेस दे रहा है। ऑटो सेंसिंग वाइपर है, तो ये भी अच्छी चीज़ है, ऑटो वाइपर्स इसमें ऑन हो जाते हैं, रेन सेंसिंग वाइपर्स, तो ये अच्छी बात है। यहाँ पे विंडो लाइनिंग आपको क्रोम में फिनिश की गई है, यहाँ पे पिलर आपको मैट ब्लैक में दिया गया है, ऊपर मैट में आपको रूफ रेल मिल जाती है, एंड यहाँ पे भी सी पिलर भी आपको डुअल टोन में फिनिश किया गया है, ब्लैक एंड सिल्वर ग्रीन का कॉम्बिनेशन यहाँ पे मिल जाता है। एंड डोर हैंडल्स यहाँ पे देख लीजिए, बॉडी कलर के साथ क्रोम का आपको काम मिल जाएगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। रिक्वेस्ट सेंसर आपको ड्राइवर एंड पे भी मिलता है और पैसेंजर एंड पे भी मिलता है, फ्रंट पैसेंजर डोर पे भी मिल जाता है, बहुत अच्छी बात है। पीछे LED इसके टेल लैंप मिल जाते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बहुत प्रीमियमनेस मिलती है इससे, एंड रात में तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। ZS की यहाँ पे आपको बैजिंग मिल जाएगी, एस्टर की बैजिंग, MG यहाँ पे, रेयर डिफॉगर, वाइपर, वॉशर, हाई माउंट स्टॉप लैम्प एंड शार्क फिन एंटीना। रूफ पूरी ब्लैक है एंड मैक्सिमम पार्ट इसका आपका पैनोरामिक सनरूफ ले जाती है। पीछे यहीं पे आपको इंडिकेटर एंड रिवर्स लाइट है, यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स हैं, यहाँ पे सारा पियानो ब्लैक फिनिश है। फेक यहाँ पे दो आपको एग्जॉस्ट मिल जाएंगे, मेन एग्जॉस्ट यहाँ नीचे दिया हुआ है, तो अच्छा लग रहा है। पीछे में स्किड प्लेट अच्छी लग रही है, पूरा ब्लैक आउट में देने का मतलब यही है, यदि उसको थोड़ा सा मैट ब्लैक दिया गया है, सॉरी, उसको थोड़ा सा मैट ब्लैक दिया गया है, एंड यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश का काम किया गया है, एंड तीन आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, एंड रिवर्स कैमरा यहाँ दिया है, लाइसेंस नंबर प्लेट की जगह यहाँ, यहाँ से इसका आपको बूट स्पेस ओपन हो जाता है, जो अच्छा लग रहा है। काफ़ी प्रैक्टिकल बूट स्पेस है, ना ज़्यादा डीप है और ना ही ज़्यादा उठा हुआ है, तो एक डिसेंट आपको साइज मिल जाएगा। साइड में दोनों पॉकेट्स आपको मिल जाएंगी एंड ऊपर बड़ी सी पार्सल ट्रे आपको मिल जाती है, अंदर आपको स्पेयर व्हील मिल जाता है, सेम आपको 16 इंचेस का स्पेयर व्हील मिलता है, बाहर आपको ओरिजिनली 17 इंचेस दिए हुए हैं, तो टायर प्रोफाइल थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। पीछे से एक बार लुक देख लो पूरी गाड़ी का, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सेकेंड सीट पर चलते हैं, सेकेंड रो में चलते हैं, तो आपको और भी बताते हैं। बाकी यहाँ से नीटली फिनिश किया गया है पूरी गाड़ी को, बंद करते हैं। अच्छा, एक प्रीमियमनेस, एक हैवीनेस इस गाड़ी में आती है, जहाँ पे भी आप हाथ लगाते हो तो एक आपको प्रीमियमनेस ज़रूर महसूस होती है। यहाँ पे देख लो आपको 48 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाएगा। चलिए पहले डोर ट्रिम की बात कर लेते हैं, सिर्फ यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मटेरियल मिलता है, यहाँ सब आपको हार्ड प्लास्टिक है, सिल्वर का काम है, सिल्वर में लीवर्स हैं, ये सब सॉफ्ट टच मटेरियल है, रेड लाइनिंग के साथ, बॉटल रखने की स्पेस है, 6 स्पीकर सिस्टम के साथ ये आती है, लेदराइट इसकी अपोल्स्ट्री है, रेड स्टिचिंग के साथ परफोरेटेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रंट की दोनों सीट्स में आपको वेंटिलेशन मिल जाएगा, पीछे की सीटें अच्छे से परफोरेटेड हैं क्योंकि डॉट्स दिए हुए हैं, तो अच्छा ब्रीदेबल लेदर दिया हुआ है। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट सेंटर में मिल जाते हैं, सेंटर आर्मरेस्ट है विद 2 कप होल्डर, काफ़ी ज़्यादा एक यूज़फुल चीज़ है ये। आइसोफिक्स के साथ है, 3 पॉइंट सीट बेल्ट है, एंड स्पेस की कोई कमी नहीं है। 2610 mm का इसका व्हील बेस है, नीचे आप नी रूम देख लो, लेग रूम देख लो, कितना ज़्यादा अच्छा है, रिक्लाइन एंगल भी अच्छा है, 3 लोग आराम से पीछे बैठ जाएंगे, एंड ऊपर मेरा हेडरूम भी अच्छा है। 5'8" मेरी हाइट है, 6+ वाले लोगों को ऑफकोर्स थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी अंदर आपको यहाँ पे साइड में रीडिंग लैंप्स मिल जाएंगे एंड 3 ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं अंदर की तरफ। पीछे से एक बार डैशबोर्ड का लुक देख लो, अच्छा लग रहा है। ऑटो डिमिंग IRVM मिल जाता है पीछे, यहाँ पे 2 वेंटिलेटेड वेंटिलेशन के लिए, यहाँ पे आपको AC वेंटिलेशन के लिए जगह मिल जाती है, एंड यहाँ पे आपको 2 USB चार्जिंग पॉइंट मिल जाएंगे, तो और यहाँ पे आपको पॉकेट्स मिल जाएंगी पीछे की दोनों सीट्स पे। तो ये हो गई पीछे वाली सीट की बात, एंड 60-40 में ये स्प्लिट हो जाती है। चलिए ड्राइवर एंड पे आ गए, एंड इधर हमें एक्स्ट्रा यहाँ पे लॉक अनलॉक का बटन यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए महंगी गाड़ियों पे यही मिलता है, बाकी सस्ती गाड़ियों में यहाँ मिलता है, मजाक कर रहा हूँ मैं। एंड यहाँ पे आपको पावर विंडोज़ मिल जाते हैं, साइड लॉक यहाँ पे मिल जाता है, एंड पावर एडजस्टेबल यहाँ पे आपको सीट्स मिल जाती हैं, एंड यहाँ से आप फ्रंट, यहाँ से आप डाउन,
एंड ये पीछे का रिक्लाइन एंगल आप सेट रीसेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको लाइट्स का पूरा कंट्रोल मिल जाएगा। यहाँ पे लाइट्स का नहीं है, यहाँ से आपको ORVM को कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ से लाइट्स को लेवल कर सकते हो। ठीक है, लाइट्स का कंट्रोल पूरा आपको इंडिकेटर एंड लाइट्स इधर दिया हुआ है, वाइपर एंड वॉशर इधर दिया है, इसमें उल्टा सिस्टम है, तो ये चीज़ आप याद रखना अगर आप MG का कोई भी प्रोडक्ट लेते हो तो। एंड ये चीज़ इंडिया के हिसाब से चेंज कर देनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों ने अब चेंज वो कर दिया है, जैसे फॉक्सवैगन ने भी अब चेंज वो अपने गाड़ियों में कर चुके हैं। एंड यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिलेगा, सिल्वर का यहाँ से आपको पूरा एक्सटीरियर यहाँ पे मिल जाएगा, एंड काफ़ी ज़्यादा प्रीमियमनेस लग रहा है, थोड़ा सा नहीं वो जेट बूस्टर टाइप के लुक इसमें दे रही है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। बाकी यहाँ पे सॉफ्ट टच मटेरियल है, यहाँ सॉफ्ट टच मटेरियल है, ब्लैक में स्टिचिंग है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। एंड यहाँ से फ्यूल लिड ओपन होगा और यहाँ से फ्रंट में आपका हुड ओपन हो जाएगा। एंड नीचे आपको दो पेडल्स दिए हैं, एक्सलरेटर एंड ब्रेक, और इसमें डेड पेडल आपको मिल जाता है। तो चलिए गाड़ी के अंदर हम बैठ गए, एंड यहाँ पे आपको एक बार दिखा देते हैं, पहले सीट थोड़ी सी पीछे करते हैं, ये मैक्सिमम हो गई। यहाँ MG आपको क्रोम फिनिश है, डुअल हॉर्न यहाँ पे दिया हुआ है, हॉर्न का साइन है, इधर आपको ऑडियो कंट्रोल्स हैं सारे, एंड यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश नहीं है, ये मैट फिनिश कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा मैट भी नहीं है, लेकिन पियानो ब्लैक फिनिश तो बिल्कुल भी नहीं है ये। ठीक है, एंड इधर से आपको सारा ये सामने की इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, तो ये यहाँ का चीज़ हो गई। एंड यहाँ पे आपको 10.1 इंच की आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल जाती है, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ हो जाता है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। बाकी क्रूज कंट्रोल आप यहाँ से सेट रीसेट कर सकते हो, एंड सिर्फ इसमें टिल्ट स्टेयरिंग ही आता है, टेलीस्कोपिक नहीं आता, और नीचे आपको डी कट मिल जाता है, तो काफ़ी पकड़ने में अच्छा है। एंड ये चीज़ आपको ज़रूर पसंद आएगी, अगर आप खुद ड्राइव करते हो तो इसमें आपको मज़ा आने वाला है। साइड में डॉटेड पैटर्न है, ऊपर प्लेन पैटर्न है, एंड आपको प्रीमियमनेस महसूस होगी गाड़ी के अंदर बैठते ही। इस सेगमेंट की किसी भी गाड़ी में आप बैठोगे ना, जैसा क्रेटा सेल्टॉस से भी थोड़ा आपको बेटर प्रीमियमनेस ये ज़रूर ऑफर करती है, फॉर श्योर। अगर आप उससे कुछ अलग देख रहे हो तो एस्टर इज़ अ गुड ऑप्शन, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है, वो भी अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। यहाँ पे ये इसके वेलकम फीचर्स हैं। ओके आई विल ओके। एंड यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे हमें क्या क्या मिल जाता है। इधर आपको स्पीडोमीटर मिल जाएगा, इधर आपको RPM मीटर मिल जाएगा, एंड यहाँ पे आपको डिजिटल फ्यूल गेज दिया हुआ है, उधर आपको इंजन टेम्परेचर गेज दिया हुआ है, एंड सेंटर में यहाँ पे आपको ऊपर टाइम है, डेट है, एंड नीचे यहाँ पे आपको सारा वार्निंग दिया हुआ है, सीट बेल्ट का वार्निंग दिया हुआ है, एंड 27 किलोमीटर्स ही ऑलरेडी चल चुकी है। ये सब चीज़ें यहाँ पे सब कुछ दिखाएगा, इंडिकेट करेगा कौन सा डोर खुला है, बंद है, लाइट्स के बारे में। एंड यहाँ से हम इसको ऑपरेट करेंगे तो देखते हैं हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाती है। करंट आपकी जर्नी के बारे में बता देगा, एक्यूमुलेटेड टोटल बता देगा, टायर TPMS यहाँ पे, चलिए अच्छी बात है, स्टैंडिंग पे ही बता रहा है, नहीं तो कुछ गाड़ियों में चलते समय बताता है। बैटरी वोल्टेज यहाँ बता रहा है, थोड़ा सा लो है लेकिन ठीक है। एंड ब्राइटनेस यहाँ से आप सेट कर सकते हो। एंड बाहर आते हैं, आई थिंक इतनी इन्फॉर्मेशन आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ से इतना है, बाकी यहाँ पे फ्लॉलेस स्क्रीन है, यहाँ पे टच करेंगे तो काफ़ी अच्छे से रिस्पॉन्स करती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 360 डिग्री कैमरा है इसमें, ये देख लीजिए, कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, जितना हम ये अपने कोरियंस में देखते हैं उतना ये उतना उस लेवल तक अभी तक भी नहीं पहुंच पाए, इतना लोग उसको कह रहे हैं, इतना लोगों ने उसको बोला हुआ है कस्टमर फीडबैक से। तो प्लीज़ इसको MG ज़रूर देखें। एंड यहाँ पे आपको फ्रंट में दो वेंटिलेशन मिल जाते हैं AC के, एंड सिल्वर का फिनिश मिल जाता है चारों तरफ, तो ये भी अच्छा लग रहा है एक पैटर्न। एंड ये सब कुछ आपको सॉफ्ट टच मटेरियल में मिल जाता है, एंड ये जो पैटर्न आप देख रहे हैं कार्बन फाइबर जैसा, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ग्लव बॉक्स इसमें छोटा सा है, ज़्यादा डीप नहीं है, और ना ही कूल्ड वन है, ना ही एलिमिनेटेड है। फ्रंट की दोनों सीट्स ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको कि वेंटिलेटेड है। एंड यहाँ पे देखिए इसके बटन्स भी दिए हुए हैं, मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, ये देखिए वेंटिलेशन दिया हुआ है मेरे ड्राइवर एंड का, और इधर फ्रंट पैसेंजर एंड का। ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑन ऑफ कर सकते हो, और हिल डिसेंट कंट्रोल यहाँ दिया हुआ है। CVT ट्रांसमिशन अच्छा है, फील गुड फैक्टर इसमें आपको मिलने वाला है, पार्क रिवर्स मैनुअल न्यूट्रल एंड ड्राइव,
एंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिल जाता है एंड ऑटो होल्ड का आई थिंक ये बटन दिया हुआ है। एंड यहाँ पे आपको टेम्परेचर सेट कर सकते हो प्लस माइनस, एंड यहाँ पे होम पे आ सकते हैं एंड यहाँ पे आपको रेयर डिफॉगर एंड वाइप रेयर डिफॉगर ही होगा, हाँ रेयर डिफॉगर के लिए यहाँ पे आपको बटन दिया हुआ है। एंड बाकी यहाँ पे हज़ार्ड लाइट का बटन है, यहाँ पे आपको IRVM ऑटोमेटिक मिल जाता है, यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर मिल जाएगा, अच्छी बात है, यहाँ पे टिकट होल्डर भी दिया हुआ है, यहाँ पे आपको लाइट्स मिल जाएंगी, पैसेंजर्स की वार्निंग यहाँ पे आपको मिल जाती है, एक बार पहले जूम आउट कर देता हूँ, यहाँ पे आपको पैसेंजर्स की वार्निंग मिल जाती है, यहाँ पे आपको लाइट्स के बटन है, यहाँ से सनरूफ ऑपरेट करने का, पैनोरामिक सनरूफ कहना ज़्यादा सही है, काफ़ी बड़ी आपको इसमें ओपनिंग मिलेगी, तो ये अच्छी चीज़ है, मेरे को अच्छा लगता है ये। एंड लेकिन इसका जो शेड है ना वो बहुत ही पतला है, तो गाड़ी आप जब धूप में खड़ी करते हो तो अंदर से थोड़ी बहुत तो गर्म हो ही जाती है, लेकिन उसके लिए कनेक्टेड कार फीचर्स दिए हुए हैं, यहाँ पे भी आपको वैनिटी मिल जाएगा, तो उससे आपका फ़ायदा हो जाता है कि आप गाड़ी में बैठने से पहले अपना AC चला लो। चलिए इसका की देख लेते हैं, काफ़ी लाइट वेट कीज़ हैं, मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव कि दोनों कीज़ है, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत हैवी हैवी कीज़ यहाँ पे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हो गए, कोरियंस हो गए, सब बहुत भारी कीज़ बना रहे हैं, लेकिन MG ने कुछ ना कुछ तो यार यहाँ पे काम किया है अच्छा। एंड लॉक अनलॉक एंड बूट ओपन करने के लिए बटन दिया है, दो स्मार्ट कीज़ मिल जाती है, फ्रंट में भी आर्मरेस्ट मिल जाता है, थोड़ा सा डीप है, काम अच्छा करेगी। एंड यहाँ से हम लाइट्स को ऑन कर देते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट लग रही है। एंड चलिए अब हम निकलते हैं गाड़ी से बाहर, लाइट्स आपको एक बार चेक करा देता हूँ मैं कि लाइट्स कैसी हैं इस गाड़ी की, पहले बैक लाइट देख लेते हैं एंड फ्रंट, हम फ्रंट लाइट देखें तो पीछे आप बैक लाइट देख लो, अच्छी लग रही है, आप लोगों ने देखी होगी, ऐसा कुछ नया नहीं दिखा रहा हूँ मैं, लेकिन कवर करने आए हैं तो दिखाना तो बनता ही है। चलिए इसका एक बार हुड आपको दिखा देता हूँ, लाइट्स बंद कर देते हैं, लाइट्स हम बंद कर देते हैं, फ्रंट में एक बार आपको इसका हुड दिखा देता हूँ, एंड मुझे लग रहा है थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा इसको ढूंढने में, लेकिन मिल गया, कोई बात नहीं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा इंजन बे है, काफ़ी नीटली कवर्ड है, बहुत ही मिनिमल चीज़ें आपको एक्सपोज दिखाई देंगी, तो ये होती है एक फिट एंड फिनिश एंड क्वालिटी लेवल्स जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। एंड यहाँ से भी देख सकते हैं आगे से फ्रंट से कितना बड़ा आपको यहाँ पे पैनल मिल जाता है, जो अच्छा रहता है प्रोटेक्शन टाइम पे। एंड 1.5 लीटर का इसका CVT ट्रांसमिशन के साथ इंजन मिल जाता है, जो 108 PS की पावर प्रोड्यूस करता है और 144 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है, और 108 PS की जो पावर है वो आपको 6000 RPM पे मिल जाती है, और 4400 RPM पे इसका मैक्सिमम टॉर्क भी आपको मिल जाता है। तो ये गाड़ी की हो गई पूरी ओवरऑल बात, यहाँ साइड पे भी आपको प्यानो ब्लैक फिनिश नीचे दिया हुआ है, जो प्रीमियमनेस ऐड कर देता है और सिर्फ आपको एनिवर्सरी एडिशन पे ही मिलती है। ऊपर से एक बार लुक देख लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। तो ये गाड़ी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। विड्थ मैं इसकी बता दूँ आपको, आपको 1.8 मीटर की मिलेगी, हाइट इसमें आपको 1.6 मीटर की मिलेगी, एंड व्हील बेस आपको 2.6 मीटर का मिलेगा, एंड 4.3 मीटर की इसकी ओवरऑल लेंथ है। तो ये हमारा सब 4 मीटर कैटेगरी से ऊपर आता है, जो हमारा एलिवेट हो गया, हमारा क्रेटा है, सेल्टॉस है, इन सब कैटेगरी पे ये हमको मिल जाती है। तो बाकी गाड़ी आपको कैसी लगी ये मुझे ज़रूर बताएगा, कलर आपको ये कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताएगा। फ्रंट और बैक से काफ़ी अच्छी गाड़ी है, इसका ओवरऑल रोड प्रेजेंस अच्छा है, एक जो इसका नेगेटिव है वो है इसका माइलेज, जो CVT पे ये आपको देगी अराउंड 10, जी हाँ अराउंड 10 ही देगी, अंडर 10 भी दे सकती है, 10 के अराउंड ही रहेगा, 9-10-11। एंड मैनुअल ट्रांसमिशन पे अराउंड आप मान के चलिए 13-14, दैट्स इट, अंडर 15 ही रहने वाला, तो ये इसका सबसे मेजर ड्रॉबैक है। बाकी एस्टर में एक टर्बोचार्ज इंजन भी आता है जो काफ़ी अच्छी पावर प्रोड्यूस करता है, जो एंथुजियास्ट होते हैं उनके लिए तो फिर पेट्रोल की कोई दिक्कत ही नहीं है, मेरे पास पेट्रोल की टंकी नहीं है, आपके पास है तो डेफिनेटली आप ले सकते हैं, मजाक कर रहा हूँ, अच्छी लग रही है तो ले लो, गाड़ी के प्रोडक्ट में एज अ प्रोडक्ट ये कोई भी प्रॉब्लमेटिक गाड़ी नहीं है। एंड बाकी एक अलग कुछ दिखना है, अलग इंटीरियर चाहिए, अलग एक रोड प्रेजेंस चाहिए, तो डेफिनेटली ये गाड़ी आप ही के लिए है, एंड गाड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी है।
एंड अगर आप लखनऊ या लखनऊ के आसपास रहते हैं तो MG लखनऊ को ज़रूर कांटेक्ट करिएगा। डिस्क्रिप्शन में इनका पूरा आपको यहाँ का लोकेशन मिल जाएगा एंड कंसर्न पर्सन का फ़ोन नंबर मिल जाएगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। काफ़ी फ्रेंडली एंड हेल्पफुल स्टाफ है एंड ओवरऑल पूरे इनके लाइनअप में ये कलर अवेलेबल है इनके 100th एनिवर्सरी एडिशन पे। तो आप ज़रूर कोई भी गाड़ी देख सकते हो, MG हेक्टर देख लो, कॉमेट देख लो, ग्लॉस्टर देख लो, एस्टर देख लो, सब पे है, ZA CV पे भी है, तो ये सब कुछ अवेलेबल है। बाकी इसके अलावा कोई कन्फ्यूजन हो किसी भी गाड़ी को लेके तो मेरे नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करो एंड मेल के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट। जो भी न्यू व्यूअर्स हैं प्लीज़, आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके लिए बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। वीडियो के एल्गोरिथम के लिए यूट्यूब की नज़रों में अच्छा थोड़ा सा बनाइए, हमें हमें सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड राइड सेफ। टू व्हीलर चला रहे हो तो हेलमेट ज़रूर पहनना एंड फोर व्हीलर चला रहे हो तो सीट बेल्ट ज़रूर लगाना। बाय।